प्री क्लास के स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है भाई। तो एक्सरसाइज करते हैं आपकी 12.1 चैप्टर जो हमारा 12, उसके अंदर रेशो एंड प्रोपोर्शनल। रेशो होता अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात, अनुपात, और प्रोपोर्शनल होता समान अनुपात, यानी कि जिसमें समान अनुपात हो। अब देखो, जो रेशो होती है उसको कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जैसे एक लिखा हमने 15, दूसरा लिख दिया हमने 25, तो इनको कंपेयर करना, कंपेयर करके इनकी तुलना के रूप में बताना। तो 15 ये जो पॉइंट यूज करते हैं इसको बोलते हैं हमें अनुपात, 15:25। अनुपात की जो संख्या है उसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 15/25, इसको डिवाइड करके भी, फिर हम इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 3, 5 से 5, तो आंसर कितना होगा, 3/5। और यदि अनुपात में लिखेंगे तो 3:5, ये आ गया। अब एक होता समान अनुपात प्रोपोर्शनल, समान अनुपात होता उसमें, समान अनुपात के अंदर जैसे 3/5 और हमने लिख दिया 9/10 15 लिख दिया। अब इनके अंदर ये बताना है कि ये समान अनुपात में है या नहीं है। अब ये देखो, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 3/5, अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 9 3 5 15, तो 3/5, तो ये तो इक्वल है। इसको लिखेंगे तो ये 3:5, इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं इनके बीच में, तो ये क्या हो गया, 3:5, तो ये क्या है, समान अनुपात में है। चार जो पॉइंट होते हैं वो समान अनुपात के होते हैं, एक पॉइंट होता है वो केवल अनुपात का होता है। इसमें आप एक्सरसाइज करते, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे उसने, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देयर आर 20 गर्ल एंड 50 बॉयज इन ए क्लास, एक क्लास में 20 तो क्या है लड़कियां हैं और 15 बॉयज हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉयज, फिर बी पार्ट है इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो एक बार तो रेशियो निकालनी हमने लड़कियों की लड़कों के साथ, और फिर रेशो निकालनी है लड़कियों की टोटल स्टूडेंट्स के साथ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन जो फर्स्ट है, तो नंबर ऑफ गर्ल, तो उसने कहा कि नंबर ऑफ गर्ल है, तो यहां नंबर ऑफ गर्ल जो लड़कियां हैं उसकी संख्या लिखते हैं हम, लड़कियां कितनी है 20। अब नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ बॉयज, ये गर्ल्स है तो बॉयज है 15, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए इसमें बताओ, टोटल स्टूडेंट हो गए, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, टोटल स्टूडेंट्स 20 जमा में 15, तो ये हो गया 35 स्टूडेंट। अब ए पार्ट में निकालना है, फाइंड रेशो गर्ल टू बॉय, जो रेशो उसने पहले नाम लिया, यहां पे लड़कियों का नाम पहले लिया, तो लड़कियों की संख्या 20 है, तो 20 रेशो ऐसे लगाते हैं इसमें, ये अनुपात हो गया, बॉयज कितने हैं 15, तो ये अनुपात हो गया हमारे पास 20:15। अब ये 5 से डिवाइड होते हैं दोनों, 5 चौके 20, अनुपात बीच में से चलेगा, 5 3 15, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 4:3। अब ये डिवाइड नहीं होते क्योंकि 3 जो वो प्राइम नंबर है। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में कहा उसने फाइंड रेशो कहा उसने गर्ल टू टोटल जो स्टूडेंट हैं उसके साथ रेशो निकालनी है। अब गर्ल कितनी है, तो गर्ल तो 20 है, अनुपात टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35, तो ये लिख दिया मैंने 35।
अब 5 से डिवाइड होता है, 5 चौके 20 अनुपात 5 सात 35, तो रेशो कितनी आ गई इसकी 5:7, तो ये आंसर हो गया इसमें। जिसका पूछे उसी का पहले लिखना बस, बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास में 30 विद्यार्थी हैं, उसमें से 6 फुटबॉल को पसंद करते हैं और 12 क्रिकेट को पसंद करते हैं एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, बाकी के जो बचे वो क्या करते हैं टेनिस को पसंद करते हैं। तो फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, तो इसमें निकालते हैं, तो इसमें भी दो पार्ट हैं, तो भाई पार्ट निकालते हैं टोटल स्टूडेंट, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 30 है। अब जो लाइक फुटबॉल, तो लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं 6, और क्रिकेट को लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करते हैं जो विद्यार्थी है वो है 12। रिमेनिंग का उसने, यानी कि जो बाकी के बच गए, रिमेनिंग लाइक टेनिस, टेनिस को पसंद करते हैं। टोटल कितने थे 30, 30 में से 6 ये घटाए दिए हमने, 24 बच गए, 24 में तो 12 ये घटाए दिए, तो कितने बच गए 12 स्टूडेंट्स। देखो टोटल 30 स्टूडेंट है, उसमें से फुटबॉल कितने पसंद करते हैं 6, और 12 क्रिकेट को, या तो इनको दोनों को जोड़ के घटा देंगे, या 6 को पहले घटा दिया और 12 को बाद में, या इस प्रकार से 30 घटा में 6 घटा में 12, तो कितने पसंद कर रहे हैं 12 स्टूडेंट टेनिस को पसंद करते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड रेशो, अब उसने कहा कि फाइंड रेशो ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल के जो स्टूडेंट हैं टू टेनिस, तो टेनिस के बॉयज के साथ, टेनिस के साथ, तो फुटबॉल कितने हैं, फुटबॉल तो 6 हैं, 6:12, तो 6 से कटे ये, तो 6×12, तो आंसर कितना आ गया 1:2, तो ये 1:2, तो ये क्वांटिटीज आपस में कंपेयर करते हैं। इसका अर्थ है यदि फुटबॉल को एक विद्यार्थी पसंद करता है तो टेनिस को 2 विद्यार्थी पसंद करते हैं, यानी कि उसका दुगुना, फुटबॉल में 1 तो टेनिस में उसका दुगुना, ये रेशो होता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, रेशो किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो ये ए पार्ट था, अब इसी में बी पार्ट है, बी पार्ट देखो इसमें लिखते हैं नीचे यहीं पे। अब की बारी उसने कहा कि फाइंड स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल की जगह उसने क्रिकेट दे दिया यहां पे, क्रिकेट जो पसंद करते हैं विद्यार्थी किसके साथ है, टोटल स्टूडेंट, टू टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, टोटल जो स्टूडेंट है उसके साथ रेशो निकालनी है, तो क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं यहाँ पे 12, अनुपात लगा दिया, ये पॉइंट लगाने हैं दो बिंदी ही, टोटल तो 30 है 30। अब टेबल बड़ी याद है तो बड़ी टेबल से इनको आपस में डिवाइड करेंगे, और यदि छोटी याद है तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 से 6, 2 से 15, फिर 3 से, 3×6, 3 से 5, तो आंसर आ गया हमारा 2:5। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप अच्छी प्रकार से निकालें इनको। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, तो इसी प्रकार से करने आपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब ये रेक्टेंगल दे रखा है उसने, इसके अंदर उसने दो सर्कल है, एक सर्कल ये दे दिया और एक सर्कल ये दिया, और इसके अंदर एक दो स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर यानी कि जिसकी आकृति कि जो सभी साइड है ना वो इक्वल हो, ये स्क्वायर दे दिए दोनों के दोनों, और दो ट्रायंगल दे दिए उसने, इसमें दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिए मैंने, टोटल जो फिगर है वो 3 और 3 6, इसमें ट्रायंगल 4 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल और बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस प्रकार से ट्रायंगल ये हो,
फिगर कितनी है इसमें, 3 और 4 7, टोटल फिगर है 7। अब सर्कल कितने हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल। तो सर्कल तो कितने इसमें, 1 2, 2 सर्कल हैं। इनसाइड रेक्टेंगल लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड, इनसाइड होता है अंदर, इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, और ट्रायंगल कितने हैं, 3। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल इन साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 3, और स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर 2 हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, 2। अब इसके अंदर 3 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट निकालना हमने, ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी कि जितने ट्रायंगल हैं वो और सर्कल के साथ। तो रेशो निकालनी अपन है, रेशो ट्रायंगल, ट्रायंगल टू सर्कल, शॉर्टकट लिखता हूं मैं, रेशो ट्रायंगल टू सर्कल। ट्रायंगल कितने इसमें, ट्रायंगल आप चेक करो, ट्रायंगल कितने इसमें, ट्रायंगल ये 3, तो 3:1, सर्कल कितने इसमें, 1:2, तो ये आंसर हो गया इसमें। तो अनुपात कितना हो गया इसमें, 3:2। अब भी जो पार्ट है उसमें है स्क्वायर, और स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर, तो रेशो निकालनी अपन है, रेशो सभी फिगर के साथ स्क्वायर की, रेशो स्क्वायर टू ऑल फिगर, सारी की सारी स्क्वायर कितने इसमें, 1:2, स्क्वायर कितने हो गए, 2, अनुपात में सारी फिगर कितनी है, तो सारी फिगर इसमें होगी 7। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2:7। तो इसी प्रकार से लिखने, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, आसानी से पहले का आंसर ये, दूसरे का 2:7। अब तीसरा पार्ट है नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल फिगर। अब यहां पे सर्कल दे दिया, बस सर्कल और सारी फिगर के साथ, तो सर्कल कितने इसमें, सर्कल भी 2 है, तो सर्कल कितने हैं, 2, और टोटल फिगर कितनी है, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2:7। कुछ नहीं करना, यदि वो डिवाइड होते हैं तो काटना है, नहीं तो ये पॉइंट लगाने, इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेशो, ये रेशो को रिप्रेजेंट करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अहमद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ अहमद टू स्पीड ऑफ अख्तर। देखो अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल दे रखे, डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अहमद, अहमद ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 9 किलोमीटर 1 घंटे में, टोटल डिस्टेंस दे दी उसने 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अहमद 9 किलोमीटर। टाइम कितना दिया उसने, टाइम है 1 घंटा, यानी के 1 आवर। अब दूसरा जो दिया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अहमद के अलावा एक और स्टूडेंट है इसमें, अख्तर, अख्तर ने कितनी डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। अब इसका भी टाइम कितना है, टाइम इसका भी 1 घंटा। ये डिस्टेंस, ये टाइम, इसका भी ये टाइम है और ये डिस्टेंस। अब रेशो निकालनी हमने स्पीड की, रेशो किसकी निकालनी हमने, स्पीड की, रेशो ऑफ अहमद स्पीड टू रेशो ऑफ अख्तर
स्पीड, यानी कि स्पीड की जो है वो रेशियो निकालनी है हामिद की स्पीड और अख्तर की। अब देखो स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है टोटल जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस या लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस बटे टाइम, ये सूत्र है। इसकी स्पीड भी, स्पीड का सूत्र दोनों में सेम यूज होगा, डिस्टेंस बटे टाइम, तो ये होगा। अब देखो इसकी स्पीड डिस्टेंस कितनी है, इसकी 9 बटे 1 अनुपात, इसकी डिस्टेंस कितनी है 12 बटे 1। अब नीचे 1 है तो नीचे 1 को हम हटा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 9 अनुपात 12। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 और 3 4 12, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3:4। तो ये आंसर है इसका उनकी। यदि वो डिस्टेंस में पूछे, डिस्टेंस में रेशो पूछे, तो डिस्टेंस तो 9:12 सीधा हो जाएगा, लेकिन टाइम दे दिया उसने, डिस्टेंस देके टाइम भी दिया और स्पीड में प्रोपोर्शनल पूछा है, रेशो पूछी है, तो स्पीड में क्या होगा डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम तो 1 घंटा दे रखा है उसने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो 9:12 3 से डिवाइड कर दिया हमने 3:4, तो ये इनके अंदर क्या हो गया अनुपात है, ये रेशो बोलते हैं 3:4। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से है, फिल इन द वैलेंस, खाली जगह भरनी है अपन, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 15/18 इक्वल, ऊपर बॉक्स है और नीचे 6 है, फिर इक्वल का निशान, ऊपर 10 नीचे बॉक्स, फिर इक्वल का निशान, ऊपर बॉक्स और नीचे 30, बीच में इक्वल का निशान है, तो बॉक्स क्या है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों इसमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो वैसे शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। जब ये इक्वल है तो यहाँ से देखो 6 की टेबल में ये कहाँ पर आता है, 3 पे आता ना, 6 3 18, यानी कि वो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा। अब जो 15 है वो कहाँ पे आता है, 3 पे आना चाहिए, तो 5 की टेबल में आता है ये, देखो 6 की टेबल में 3 पे ये आ गया, 5 की टेबल में 3 पे ये आ गया, 5 3 15, 6 3 18 हो गया इक्वल। अब देखो यहाँ पे 5 है तो 5 2 10, तो 6 2 12, यहाँ पे क्या आएगा 12। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 30। अब 12 से ये पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये पॉइंट में डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड करेंगे 30/12, भाग करते हैं तो इसको देखो 6 से काट देते हैं, 6 2 12, 6 5 30, तो यह कितना आ गया हमारा 5/2, यानी कि 12 को यदि हम 5/2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 30, तो 10 को भी क्या करेंगे 5/2 से गुणा कर देंगे 5, तो 5 5 कितना आएगा 25। 5/2 क्या होता है, 2 से 1/2, यानी कि 2.5 गुणा होता है, लेकिन 2.5 की टेबल याद नहीं होगी आपको, तो 12 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हमें 30/12, 6 से हमने काट दिया 2 5, तो 5/2 आ गया, यानी कि 12 को यदि हम 5/2 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, तो 10 को 5/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। तो बहुत सिंपल है, टेबल चेक करनी है, यहाँ से 3 6 3 18, तो 5 3 15 होता है, 5 2 10, तो 6 2 12, 12 की यहाँ पे डिवाइड किया 5/2, तो यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे तो 5/2 के साथ, तो 25 आंसर आएगा। अब इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशो ऑफ फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी रेशो निकालनी है अपन, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड रेशो। अब रेशो देखो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट है उसमें 81 और 108 की, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 81:108, 108। अब ये देखो 2 से डिवाइड नहीं होती, ये होता है ये नहीं होता, 3 से डिवाइड हो जाता है ये 27। रेशो एज इट इज बीच में यूज करनी है हमने,
तो 3 3 9 और 3 6 18। अब फिर 3 से डिवाइड होते हैं 9, फिर 3 से 12, फिर 3 से डिवाइड 3 और 4। जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो वो हमारी रेशो होती है, तो 3:4 तो सिंपल है, आसान है, समझ में आ जा तो बताएं, ना समझ में आ जा तो भी बताएं। अब इसी में दिया उसने 98:63 98:63 टेबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए, बड़ी टेबल याद है तो बड़ी टेबल से इसको हमें काट सकते हैं, नहीं तो फिर छोटी टेबल से इसको हमने काटना। अब देखो ये 2 से डिवाइड ये होता है, ये नहीं होता, 3 से ये डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होता। अब 4 से डिवाइड देखें, 4 से डिवाइड नहीं होते। अब ये देखो ये 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 7:63 अनुपात, ये हो गया 7 × 7 और फिर हमारे पास 2 बचेंगे और 7 × 28 14 × 7 98 हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें अब ये किसी से कटते नहीं तो आंसर हो जाएगा हमारा 14:9। तो इसी प्रकार से इसमें सी पार्ट करते हैं, तो आराम से बैठ के स्टडी करें और मंड के पढ़ें तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इसमें अगला पार्ट है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर इसकी रेशो निकालनी हमने 121 किलोमीटर के साथ, तो ये लिखते हैं 33:121। अब देखो ये किससे कट रहे हैं, 3 से ये कटता, ये नहीं डिवाइड होता, 11 से डिवाइड होता, 11 से 3 11 से 1 1, तो आंसर बस सिंपल है 3:11। तो इसी प्रकार से अगला पार्ट है इसमें इसी का 30 मिनट और 45 मिनट 30:45। अब देखो इसको 3 से डिवाइड करते हैं 10:10 बीच में जी टी एस यूज करनी है, 3 पे 15, 5 से डिवाइड करते हैं 2, 5 से 3। अब ये डिवाइड नहीं होते, जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो वो क्या होता है हमारा आंसर होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेशो के कुछ नहीं करना, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते जाना है और ये पॉइंट बीच में लगाने हैं जो इसको हमें रेशो बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी इसी प्रकार से है, उसमें भी रेशो निकालनी है। तो ऊपर के क्वेश्चन यदि आपका समझ में आ गए तो नीचे वाला जो रेशो निकालेंगे अब ये भी बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब 30 मिनट दिया उसने, 30 मिनट 1.5 आवर ये दिया। अब ये तो मिनट है और ये आवर है, दोनों को एक यूनिट में चेंज करेंगे, या तो इसको आवर में चेंज करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे हमें किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो देखो छोटी इकाई 30 है तो 30:1, ये 1.5 आवर है तो क्या करेंगे मिनट, 1.5 पहले डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा दिया 10, तो कितने हो गया 15/10 आवर। मिनट बनानी है तो गुणा में 60, तो 0 से 0 15 6 90, तो 90 मिनट होगी इसके अंदर, तो 30:90। अब 1 0 इस तरफ 1 0 इस तरफ है, 0 हमने हटा दी, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3 3 3 9 बस, तो कितना आंसर आ गया हमारा 1:3 1:3 एक आइडेंटिटी में यूज करके हमने उसको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं, सारे सवाल ऐसे चलते रहेंगे, कहीं पर भी ले जाओ उनको कोई वो नहीं उसमें। अब देखो उसने कहा कि 40 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है ये मीटर है तो इसके सेंटीमीटर बनाएंगे, ये तो 40 है जी टीज अनुपात में, 1.5 है तो पहले तो 10 हटा दी हमने यहाँ से, तो 15/10 मीटर है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से क्या करेंगे इसको गुणा, 10 यहाँ से कट गई, 15 और 10 की गुणा हो गया हमारे पास 150, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 बस। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, हटा दी तो 4:15।
अब ये डिवाइड नहीं होते, टू से ये होता ये नहीं होता, थ्री से ये होता ये नहीं होता, जब डिवाइड होने बंद हो जाए तो वो हमारा क्या होता है आंसर, यानी कि वो रेशो में आ जाते हैं। अब इसमें अगला करते हैं इसी का, अब पैसे दे दिए, पैसे और रुपये, तो आप बताओ एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, किस किस को पता भाई, एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो उसने कहा कि 55 पैसे, 55 पैसे का एक रुपये के साथ, एक जो रुपया है ना उसके साथ, तो 55 तो पैसे हैं अनुपात, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ लिखते हैं एक रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब ये 5 से डिवाइड होता है, 5 एकम 5, 5, तो ये भी 5 से, अब 11 जो प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 11:20। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट और रह गया, यहाँ पे करता हूँ मैं लास्ट। अब की बार दिया उसने 500 मिलीलीटर, 2 लीटर, 2 लीटर के साथ, ये तो मिलीलीटर है 500 अनुपात। अब 1 लीटर में, अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यहाँ पे 2 लीटर है तो 2000 हो जाएगा, 2000। अब 2 जीरो यहाँ से हट गई, 5 एज इट इज, और यहाँ बच गया हमारे पास 20। अब 5 से पूरा डिवाइड होता है ये, 5 ओके 20, तो आंसर कितना आ गया, तो ये हमारा आंसर है 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स, और रेगुलर स्टडी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर पढ़ने के लिए ईमानदारी के साथ, और नहीं पढ़ना है तो आराम से आप मजे करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ईयर सीमा अर्न 1,50,000, टोटल जो इनकम है उसकी, टोटल इनकम है उसकी 1,50,000 रुपये, सीमा की टोटल इनकम है इतनी। अब उसने कहा कि इसमें से सेव किए, तो यहां लिखा हूं मैं सीमा सेव, सेव होता है बचाना, उसने 50,000 रुपये बचा लिए, टोटल इनकम कितनी है 1,50,000, इतने रुपये उसने बचा के घर पर रख लिए, तो खर्च कितने कर दिए उसने, तो स्पेंड, तो कितने रुपये उसने क्या किए स्पेंड किए, तो यह लिखेंगे सीमा स्पेंड अमाउंट, अमाउंट होता है रुपये, कितने रुपये उसने स्पेंड कर दिए, तो 1,50,000 में से 50,000 रुपये घटा दो, तो कितने रुपये उसने खर्च कर दिए 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, टोटल थे 1,50,000, 50,000 रुपये उसने अपने घर पे रख लिए खजाने में, और खर्च कितने कर दिए 1,00,000 रुपये। अब इसमें पार्ट है, तो फर्स्ट है रेशो निकालनी है अपन ने, जो अमाउंट है कौन सी, मनी दैट सीमा अर्न टू सेव, फाइंड द रेशो। अब फर्स्ट है सीमा अर्न, सीमा ने जितने रुपए कमाए वो किसकी किसके साथ, टू यानी कि जो उसने सेव करे उसके साथ रेशो अपन ने निकालनी है, सी सेव, तो कितने रुपए उसने बचाए, टोटल रुपए कितने कमाए उसने 1,50,000 रुपये, ये हो गया अनुपात में, कितने रुपए उसने सेव करे 50,000 रुपये उसने बचा लिए। अब देखो इसमें 4 जीरो यहां से गई, 4 जीरो यहां से, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15 और 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3:1। अब इसमें बी पार्ट भी इसी प्रकार से, यानी कि जो पूछे, जो चीज उसने पहले पूछी है तो वो पहले लिखनी है, यहाँ पे अर्न, अर्न होता कमाना या टोटल इनकम, टोटल इनकम है 1,50,000 रुपये, फिर कहा उसने सेव, सेव होता है बचाना, जो उसने बचाए तो बचाए कितने उसने 50,000, जो कटते हैं उसको हम काट देंगे, बाकी को
छोड़ देंगे, वो हमारा क्या होगा, रिश्स होगी हमारी। तो ये इसमें इसका सेकंड पार्ट में कहा उसने कि जो अमाउंट है बी दैट दैट सी सेव, अब की बारी उसने सेव पहले कहा है, उसने जो रुपए बचाए उसकी किसके साथ टू स्पेंड अमाउंट, स्पेंड अमाउंट या रुपीज ऑफ ये मनी। अब सेव कितने के लिए उसने 50,000, तो सेव पहले लिखेंगे हम यहां पे 50,000 अनुपात में खर्च कितने कर दिए 1,00,000, तो 1,00,000 ये हो गया। अब इसमें 4,0 यहां से, 4,0 यहां से, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एक कम 5, बीच में रेशो है जी टीज 5 × 10, तो आंसर कितना आ गया 1:2। तो इस एक्सरसाइज के ये 8 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो इसी प्रकार से मन लगा के पढ़ें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।